एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। यह बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इन्वाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहां पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास में जो भी कुछ था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी, तो जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टेन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए जाकर के उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और जाकर के उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत पेंटिंग तो आपने वहां पे नहीं रख दी है। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन करके गुस्से से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया। और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने अपने माइक सुन के मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ओनर था वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल है, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर के देखिए वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है, और ये ही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत है, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जा करके बिठा दो, वो वहां पर भी जा करके दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। मैं आपको ऑनेस्टली अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि मेरी लाइफ की एक स्टेज थी व्हेन आई वाज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द नंबर्स, बट आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में, हवाबाज। उसको बहुत ऐसे हवाबाज दिल्ली में तो भरे पड़े बहुत है, अनलिमिटेड। अपनी गाड़ी लेकर के आया, ब्रांड न्यू, आ करके मेरे घर के बाहर में आ करके खड़ा हो गया। उस टाइम में मेरे पास में सेकेंड हैंड स्टीम होती थी, मारुति स्टीम, वो भी सेकेंड हैंड, और वही फटी पुरानी जीन्स में जैसे अभी घूमता हूँ वैसे ही,
पुराने कपड़े, मतलब मेरे को देख करके कोई आदमी को ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल गया गुजरा आदमी है। मैं पैसा कहाँ लगा रहा था अपना सारा? बिजनेस में, अपने काम में, अपने काम को बेटर बनाने में, क्योंकि पैसा मेरा मोटिव था ही नहीं। पैसे को लगाया काम में, अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने इक्विपमेंट्स को बेटर करने में, अपनी लाइट्स को बेटर करने में, कैमरा को बेटर करने में, हर चीज को बेटर करने में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वो नहीं भी करता तब भी लोग मेरे पास आते, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से कैमरे से उसका शूट कर रहा हूं, मुझे तो पता था ना। तो मैं अपने आप को बेटर करता चला जा रहा था, अपनी मार्केटिंग में, हर चीज में मेरा सारा ध्यान वहां पर था। उसका ध्यान कहाँ था? पैसे का। तो हवाबाज तो हवाबाज को किसी ने थोड़ी सी हवा दे दी, हाँ उसको हवा दे दी कि तू मेरे को पैसा लगा दे यहां पर, मुझे पैसा दे दे, महीने का 5% इंटरेस्ट दूंगा तेरे को, एक साल में 60% इंटरेस्ट आएगा, डेढ़ साल में पैसा डबल। वो बावला गया। ज्यादातर लोग ये जो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, सुना होगा आपने भी इनके बारे में, वहां फंस जाते हैं। आपको पता है कितने लोग फंसे हैं इंडिया में इस समय? करोड़ों। हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने लाखों रुपए डुबाए हैं इन चक्रों में। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? कभी सोचा है? उन्हीं का लालच उनको फंसा रहा है और उनको पता ही नहीं है। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में है। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना ना पड़े। संदीप जी तुम रास्ता बता रहे हो तो बड़ा बेकार रास्ता है यार, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, आंखें खोल के इस दुनिया को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, है ना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। बड़ा भारी काम है भाई, कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या है, कोई पावरफुल आदमी मिल जाए, वो आकर के कहे तुझे कुछ नहीं करना बेटा, ला करके मुझे अपना 1,00,000 रुपए दे, मैं डबल कर दूंगा एक साल में। तो वो भाई मेरे पास में आया, आकर के कहता संदीप तू ये कहां धक्के खा रहा है, पागलों की तरह पहले शूट करता है, फिर साउथ दिल्ली जाता है, वहां से प्रिंट बनवा के लाता है, और ये करता है वो करता है, धक्के खाता है, क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की, तेरे पास में कितनी सेविंग्स हैं, ला करके मुझे दे, मैं तेरा पैसा डबल करवाता हूँ डेढ़ साल के अंदर। मैंने कहा ये सब जो स्कीम्स होती हैं 99.99% केसेस में फ्रॉड होती है। वो समझा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा, कहता संदीप तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो अपनी इस घटिया खटारा में घूमता है वो, अपनी ढंग की एक नई गाड़ी लेकर के आया था। हुआ क्या था, उसने खेल क्या खेला, पहले थोड़ा पैसा लगाया, 1 महीना रिटर्न आई तो क्या हुआ, विश्वास हो गया। अगले महीने फिर पैसा आ गया, उसके अगले महीने फिर पैसा आ गया, फिर उसने अपना 50,000 रुपये और लगा दिया, कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको लगने लगा कि मिल जाएगा। अब इस 1,50,000 रुपये भी उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, उसने 1,50,000 और लगा दिया, फिर उसने यहां से पैसा लिया वो भी लगा दिया, कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाया वो भी लगा दिया, करते करते उसने 1,00,000 रुपये लगा दिए और उसकी लग गई। ठीक कह रहे हो, बुरी तरह से लग गई, लेकिन उस टाइम नहीं लगी थी, क्योंकि ये सिलसिला 1-1.5 साल तक चला, और जब ये चला तो पागल हो गया, उसको विश्वास हो गया कि अब तो मेरे को ये पैसा आता ही रहेगा। जबकि अंदर से अगर आप में दम नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे ही गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। ये आलसीपन है कि अपने ऊपर काम नहीं करना, शॉर्टकट ढूंढना। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में क्या हुआ, वो बंदा बुरी तरह से फेल हो गया, बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से। ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं, चीजों के डिजायर्स, पैसे के डिजायर्स, ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं। हाँ, पैसे का डिजायर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज नहीं कर रहे, पैसे को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो, पर पैसे से चिपक नहीं रहे हो, एक एक रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से करने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में, जब तक कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। फिर हम पैसे को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, और उस शौक की वजह से छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपकी कम पैसों में हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं, तो जैसे कोई आपके छोटे शौक पूरे करेगा जिसके लिए आपको कम पैसा चाहिए, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अजीब लग रहा है सुनने में,
आपके शौक हैं जो 20,000 रुपए में पूरे हो सकते हैं, मैं आग्रह कहूं ले 20,000 रुपए, चल काम कर, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, वो काम जो तुझे पसंद नहीं है करेगा? तो कहेगा हाँ मेरे शौक पूरे हो रहे हैं ना, मैं करूंगा।